अयोध्या में प्रधानमंत्री का रोड शो, और इस दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाते हैं, और उसी दौरान अचानक प्रधानमंत्री का काफिला मुड़ता है एक दलित बस्ती में, और हमारे साथ में वो दलित परिवार, सूरज नाम है और मीरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले आए और यहाँ पर इस घर पर चाय भी पिया, मुलाकात भी की और बातचीत भी की। सूरज जी बताइए कि प्रधानमंत्री जब आए तो आपके लिए ये क्या सरप्राइज था, आपको पहले से जानकारी थी या अचानक आए? एक सरप्राइज ही था, सरप्राइज था। जी हमको पता नहीं था कि वो आने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जब आए तो कैसा लगा और क्या उम्मीद थी कभी पीएम से मुलाकात हो सकती है? हमको कभी उम्मीद नहीं थी। हाँ, हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो आएंगे, कभी हमारे घर उनका चरण जो है हमारे घर पे पड़ेगा। अब तो आप तो बहुत फेमस भी हो गए हैं पूरे इलाके में। सब ऊपर वाले का कृपा है, मोदी जी की कृपा है। हाँ। आए हमारे घर, उन्हीं की वजह से हम जो भी। अब इलाके में सूरज को कौन जानता था, लेकिन आज सूरज को पूरी दुनिया जान रही है। हाँ? अच्छी बात है। अच्छा, तो आपका नाम मीरा है जी। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे आए तो क्या बातचीत किया, क्या मुलाकात किया, क्या पूछा आपसे? बोले क्या क्या योजना पाई हो, तो मैंने कहा कि आवास पाई हूँ और फ्री का पानी मिल रहा है, गैस भी मिल गया। तो बोले नए गैस पे क्या बनाई हो, तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी। अच्छा, तो बोले और क्या, मैंने कहा आपके लिए चाय बनाई हूँ। हाँ, तो बोले चाय पिलाओ भाई ठंडी में। अच्छा, तो मैंने उनको चाय पिलाया। हाँ। तो बोले बहुत अच्छी चाय बनी है, थोड़ी मीठी हो गई है जी। चाय कैसी बनाई थी, क्या क्या डाला था उसमें चाय में? जी चाय पत्ती, चीनी और दूध था और काली मिर्च, छोटी इलायची। अच्छा, कुछ बोले वो? जी बोले बहुत बहुत अच्छी चाय है। अच्छा, कुछ और भी बोले कि चाय और कैसी मीठी है, फीकी है, क्या बोले? बोले बहुत थोड़ी मीठी चाय पीती हो लग रहा है। हाँ। मीठा है जी। अच्छा जी, तो इस दौरान आप लोगों को क्योंकि 22 जनवरी को जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके लिए इनवाइट किया है, न्योता दिया है, क्या बोला है, कुछ बोला है कि आपको उस कार्यक्रम में आना? सब मतलब क्योंकि बोले मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने इनवाइट किया है, न्योता दिया है, तो आप कुछ बोले हैं कि आना है उस प्रोग्राम में? जी बोले आएंगे हम लोग, बोले आएंगे हम लोग जी। अच्छा, आपने बोला है जी। अच्छा जी, तो हम पहली बात तो उनको देखते ही रह गए, मतलब बोल तो रहे थे, बोल तो रहे थे, हम उनकी बात भी सुन रहे थे। हाँ। लेकिन हम इतना मतलब उस टाइम इतना उद्भाव थे कि मैं उनको बस केवल देखता ही रह गया। हाँ, हमारी नजर उन्हीं की तरफ थी कि आज साक्षात हमारे सामने इतनी बड़ी जो है नेता बैठे हैं। आपने रामायण देखा है सीरियल? हाँ, रामायण देखा। उस दौरान पहुंचे थे भगवान राम? उनको हम राम ही समझ बैठे। हाँ, उस टाइम। हाँ, अच्छा, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े नेता, पूरे भारत के इतने बहुत, अपना बहुत बड़ा भारत है, देश विदेश मतलब वो सब मतलब उनको बच्चा बच्चा जानता है उनको। तो अगर हमारे घर वो आए हैं तो हमको कितना खुशी मिलेगा। वो तो आप तो पूरा भावुक भी हो गए, इमोशनल हो गए। वो पहली बार है ना। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग, हजारों और लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे इंतजार कर रहे थे पीएम से, सिर्फ देखने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए जी। और आप? हम तो मिले। हाँ। और मिल के कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, उनके पास में खड़े होके फोटो भी खिंचवाए हम लोग ने। अच्छा जी, उन्होंने खुद कहा कि आ जाओ सब लोग साथ में, एक साथ में आओ, फोटो खिंचाते हैं। हम लोग ठीक है, ये साइड में थी, हम भी साइड में थे, मतलब बीच में थी, और हमारे माता पिता भी थे पीछे। तो आप मान के चलते हैं कि ये अभी तक जीवन का एक बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय पे भी बहुत अच्छा ही करेंगे, आज तक अच्छा ही करते चले आए। अभी और भी सरकार से क्या क्या चीज मिली है, केंद्र सरकार से क्या क्या चीज मिल रही है आपको, फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला हमको, घर मिल गया, आवास, दो कमरा बनवाए हैं, और हमको जो है राशन मिल गया है, मतलब हर महीने राशन मिलता है, और जो है उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, और पानी फ्री में मिलता है। अच्छा, पानी फ्री मिलता जी, है जी, गैस फ्री मिलती है जी, घर भी फ्री मिला है जी, और राशन भी जी, तो ये तमाम चीजें फ्री मिल रही है जी, उनका हम लाभ उठा रहे हैं। और एक सवाल और कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बन रहा है। आज तक बहुत सारे नेता लोग आए और गए, कोई नहीं बनवा पाया, जो करके दिखाए वो आज तक कोई करके दिखा नहीं पाया। इसके लिए हम उनके लिए बहुत उत्साहित हैं, और उनसे हम हाथ जोड़ के ये बोलते हैं कि ऐसे ही मतलब आगे अपना जो है पूरा भारत और उज्जवल मतलब बनाते चलें। धन्यवाद, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इस परिवार से प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो इस परिवार
में खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, सिर्फ देख पाए लेकिन मुलाकात उनके नसीब में नहीं था।